अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। चप्पल अभी मारने की देर समाप्त, इसकी जलाई देंगे यार भैया। अब हिंदू समाज में बात करेगा वही देश पे राज करेगा। उदय निधि मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, DMK मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उदय निधि मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भारत माता की जय हो जय हो, जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। उदय निधि मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो जय हो, जय श्री राम जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पुरा सनातन धर्म की जय हो, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, सनातन धर्म की जय हो। जो पुतला जलाया गया, किसका पुतला जलाया गया, क्यों जलाया गया और क्या कहना चाहेंगे इसमें? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जो कि ईसाई हैं और द्रविड़ मुनेत्र कझगम के नेता हैं, उनके सुपुत्र ने उदय निधि स्टालिन ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया है कि हम भारत से सनातन धर्म का नाश कर देंगे, इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। पूरा हिंदू समाज उनके इस वक्तव्य की निंदा करता है और उनको चेतावनी देना चाहता है कि इस प्रकार के किसी भी कृत्य को यह हिंदू समाज यह सनातन समाज सहन नहीं करेगा। ये सनातन धर्म जिसको 1000 साल में न ईसाई ख़त्म कर सके न मुगल ख़त्म कर सके, उसको मिस्टर स्टालिन तुम्हारा यह षड्यंत्र समाप्त नहीं कर सकेगा। यह पूरा हिंदू समाज एक है और हम तुम्हें सत्ता से उखाड़ करके फेंक देंगे। इसलिए हम आपको चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार का दुस्साहस आप भविष्य में ना करें, और यदि किया तो हिंदू समाज के क्रोध को सहन नहीं कर पाओगे। जय जय।